धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर आज अपने लिए केंद्रीय सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वे आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार में ओपीडी बंद रही, सिर्फ इमरजेंसी ही उपलब्ध रही। इस दौरान हरिद्वार की महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निशा भारद्वाज ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई अपराध की निंदा की। उन्होंने मांग की कि सरकार को कार्यस्थल पर महिला डॉक्टरों और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम और कानून बनाने चाहिए। वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। 9 अगस्त से सबसे पहले तो इतना हमारे पूरे डिपार्टमेंट में एक मातम छाया हुआ है। इसमें सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, पूरे देश की महिला सब असुरक्षित महसूस कर रही है। अब अगर यहाँ पे डॉक्टरों की भी सेफ्टी नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, तो हमारे पास जो महिला पेशेंट एडमिट होती है उनकी सेफ्टी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? किसी भी डिपार्टमेंट की महिला कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। नाइट ड्यूटी क्या, डे ड्यूटी में भी कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। क्या लड़कियाँ पढ़ना छोड़ दें? सरकार ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर अभी क्या हो रहा है? बेटी पढ़ तो ली पर बेटी बच तो नहीं पा रही है ना। आप बताइए कैसे हम लोग सुरक्षित होंगे? कानून, कितने कानून बने और कितनी निर्भया आएगी? अभी निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 3 हमें नहीं पता। 9 अगस्त के बाद भी कितने रेप हो चुके हैं इस कंट्री में, कितने रिकॉर्ड हुए हैं, कितने नहीं हुए, कितनों की FIR हुई है। सख्त कानून बनने के बाद भी अपराधियों को सजा नहीं मिल पा रही है। घर में जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसके विरोध में पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। आज OPDs बंद कर दी गई हैं, हालांकि इमरजेंसी और IPD सेवा चल रही है हमारे द्वारा, पर जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी भी महिला या किसी भी डॉक्टर के साथ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और हम मांग करते हैं कि सरकार जो है इस पर निष्पक्ष जाँच करे और जल्द से जल्दी जो भी अपराधी है उनको सलाख के पीछे या जो भी कानूनी कार्रवाई है। जया हॉस्पिटल के अंदर वो है ना, हॉस्पिटल से बाहर डॉक्टर जो है ना हर समय 24 घंटे, कोरोना काल में भी जो है ना डॉक्टर राजीव जो है ना जीवन बचाने के लिए सेवा दे चुके हैं। और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हमारे जय प्रधानमंत्री जी को जो है एक जो है सेंट्रल प्रोटेक्ट की आवश्यकता है। सेंट्रल प्रोटेक्ट लागू कर दिया जाए जो है ना डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, वो बहुत जरूरी है।